आप देख रहे हैं नंबर वन शो का जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्तित पाठी। मौजूदा समय में भारत समेत कई देश कोरोना वायरस से बेहाल है। हालांकि दुनिया भर में इस महामारी पर मार करने के लिए कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। भारत में भी केंद्र के साथ राज्यों ने बड़े और कड़े फैसले लिए हैं, लेकिन अफसोस ये है कि स्थिति फिर भी गंभीर बनी हुई है। वहीं इस कोरोना काल में भी कई प्रदेशों में राजनीति जमकर हो रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। एक ओर कोरोना संकट है तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश में राजनीति का सबसे बड़ा धान खरीदी का मुद्दा फिर उठ रहा है। माफ करिएगा, छत्तीसगढ़ में उठ रहा है मामला। किसानों को धान खरीदी में अंतर की राशि देने से जुड़ा है। भूपेश सरकार ने 21 मई से किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के जरिए खरीद के अंतर की राशि बांटने का फैसला किया है, लेकिन चर्चा है कि यह राशि किसानों को 4 किस्तों में दी जाएगी, जिसका बीजेपी विरोध कर रही है। बीजेपी ने सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी करने का आरोप जड़ा है। ऐसे में आज बहस राज्य की सियासत से जुड़े इसी बड़े मुद्दे पर होगी। साथ ही हम बात मध्य प्रदेश की भी करेंगे। यहां 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने हुंकार भरना शुरू कर दिया है। सियासी विषाद पर मोहरे बिछाए जाने लगे हैं। हालांकि अभी उपचुनावों की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बात सत्ता की है। ऐसे में दोनों दल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना चाह रहे हैं, लिहाजा राजनीतिक चोर अजमाइश तेज हो रही है। बीजेपी कांग्रेस की ओर से उपचुनाव में जीत के दावे भी होने लगे हैं। हालांकि यह अभी सत्ता के संग्राम की शुरुआत है। राजनीति का रोमांच तो तब अपने चरम पर होगा जब उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा और योद्धा तय हो जाएगा, लेकिन उसके पहले जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहीं की मौजूदा स्थिति क्या है, कौन मजबूत है और कौन कमजोर, क्षेत्र के मुद्दे क्या है, इस पर भी बात होगी। लेकिन स्वराज छत्तीसगढ़ के साथ, क्योंकि यहां अधर में अन्नदाता है। तो छत्तीसगढ़ में सियासत का केंद्र है किसान। कोरोना संकट के बीच भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। जिस वक्त सरकार कोरोना की चुनौतियों से जूझ रही है, ऐसे समय में बीजेपी ने किसानों का मुद्दा एक बार फिर उछाला है। हालांकि मुद्दा सरकार की ओर से दिए बयानों ने खुद ब खुद बीजेपी को दे दिए है। दरअसल हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में भूपेश सरकार ने धान खरीदी में अंतर की राशि किसानों को देने के लिए राजीव गांधी न्याय योजना 21 मई से शुरू करने का फैसला लिया। इस फैसले के बाद ये भी बात सामने आई कि किसानों को अंतर की राशि किस्तों में दी जाएगी। इधर बीजेपी इस बात का ही विरोध कर रही है। ये विरोध कितना सही है, क्या सरकार की नई रणनीति अन्नदाताओं को वाकई अधर में डाल रही है, इस पर चर्चा शुरू करें। उससे पहले हम दिखाते हैं अपनी छोटी सी रिपोर्ट। भूपेश सरकार राजीव गांधी न्याय योजना के जरिए 21 मई से किसानों को धान खरीदी में अंतर की राशि देने जा रही है। हालांकि ये बात भी सामने आई है कि किसानों को अंतर की राशि किस्तों में दी जाएगी, जिस पर विपक्ष ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। बीजेपी ने सरकार की न्याय योजना को अन्याय योजना करार दिया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि सरकार की विश्वसनीयता नहीं रह गई, क्योंकि वह धान खरीदी में अंतर की राशि किस्तों में देने की बात कर रही है। इधर किसानों को यह भी पता नहीं कि आखिर उन्हें कितनी किस्तों में ये राशि दी जाएगी। इधर कांग्रेस ने कहा है कि राजीव गांधी न्याय योजना के जरिए किसानों को अंतर की राशि 685 रुपए प्रति क्विंटल की दर से दी जाएगी। 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। प्रदेश में 18,75,000 किसानों से धान की खरीदी हुई और अब 21 मई को मुख्यमंत्री एक क्लिक के जरिए धान खरीदी के अंतर की राशि सीधे किसानों के खाते में डालेंगे। अब ये सरकार बोल रही है कि हम 4 किस्त में देंगे, 5 किस्त में देंगे, न जाने कितने किस्त में देंगे। अब जब किसान न्याय योजना से किसानों को अंतर की राशि देने का फैसला सरकार ने लिया है, तो ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी इसका भी विरोध कर रही है। बहरहाल 21 मई से किसानों को अंतर की राशि बांटने का काम शुरू हो जाएगा। सरकार ने विधानसभा में पेश किया अपने हालिया बजट में इस योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपए की बड़ी राशि का प्रावधान किया था, लेकिन तब और अब के हालात में बड़ा अंतर है। कोरोना महामारी ने भूपेश सरकार के सामने आर्थिक चुनौतियां खड़ी कर दी। रायपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। अधर में अन्नदाता,
इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर शुक्ला जी और बीजेपी नेता अशोक बजाज जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वराज एक्सप्रेस के छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज सिंह बघेल हैं। नमस्कार। भोपाल स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। आप लोगों का भी बहुत स्वागत है रमेश जी, खासकर आपका। पहले मनोज जी आपसे ही बड़े संक्षेप में, आखिर ये मुद्दा क्यों बहस हो रही है इस पे, जब सरकार देने को कह रही है चार किस्तों में दे दे, एक समय होना चाहिए कि इसके अंदर हम दे देंगे, फिर बीजेपी का विरोध क्यों? और अगर सरकार दे रही है तो एक साथ क्यों नहीं दे रही? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने वादा किया था चुनाव के पहले कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी होगी, और सत्ता में आते ही तुरंत इस पर निर्णय लिया गया था और पहले साल तुरंत किसानों के खाते में ये राशि स्थानांतरित कर दी गई थी। दूसरे साल दिक्कत ये हुई कि केंद्र सरकार की ओर से एक तकनीकी अड़ंगा लगा इसमें कि उस रेट पे 2500 रुपए रेट पे यदि आप धान खरीदी करेंगे तो हम अपने पुल का जो केंद्रीय पुल का जो चावल लेते हैं वो नहीं लेंगे। तो इसके आधार पर ये फैसला किया सरकार ने कि ठीक है, हम MSP पे ही धान खरीदेंगे और बचत की जो राशि है उसको किस तरह से दिया जाए, इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी बनी थी। कैबिनेट सब कमेटी ने ये न्याय योजना की सिफारिश की और उसके तहत अब ये देने की बात हुई है। अप्रैल में देने के लिए कहा गया था, बजट में इसका प्रावधान हो गया था, लेकिन कोरोना संकट के चलते ये एक महीने डिले हुआ। शुरू में तो किसान शांत थे क्योंकि वो भी समझ रहे थे कि अभी इस तरह की परिस्थितियां हैं कि अभी इस संबंध में आवाज उठाना ठीक नहीं है। इसी बीच ये बात आई कि मई में दे दी जाएगी, मई के शुरुआती समय में दे दी जाएगी, और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में फैसला हो गया कि मई में दिया जाएगा। इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी बजट में है। तो इस बात से किसान भी निश्चिंत थे कि ये राशि तो मिलेगी ही, लेकिन किस तरह से मिलेगी। अभी जो कैबिनेट की बैठक में ये बात सामने आई कि ये चार किस्तों में दी जाएगी, इसको लेकर जरूर जो है किसान थोड़े संशय में है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहली किस्त कितने की होगी, क्योंकि खरीफ सीजन की शुरुआत होने वाली है, जून के पहले सप्ताह में मानसून आ जाता है और उसके बाद किसानों को उस समय पैसे की बहुत जरूरत होती है। तो अभी जो चिंता है किसानों की वो यही है कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि कितना पहली जो किस्त होगी वो कितने की होगी और फिर बाकी तीन किस्त कब मिलेगा। ये चीजों को लेके जो है कहीं ना कहीं अभी संशय है, यही वजह है कि। लेकिन मनोज जी, पहले तो ये तय हुआ था संभवतः शुरू में, जब इस पे कई बार हम लोग बहस कर चुके हैं, बात कर चुके हैं कि MSP रेट पे ये खरीद के जो अंतर होगा ये बजट प्रावधान करके उनको दे देंगे। तब ये नहीं हुआ था कि चार किस्तों में देंगे, एक किस्तों में, एक साथ देने का था संभवतः। बिल्कुल, ये हो सकता है कि उस समय की परिस्थितियां अलग थी, अब की परिस्थितियां चूंकि पिछले दो महीने से पूरी अर्थव्यवस्था चौपट है, आर्थिक संकट की स्थिति चहुओर है, तो एक सरकार के दिमाग में ये भी बात होगी कि कब किस समय किस तरह की जरूरत, वित्तीय जरूरत पड़ जाए। इसलिए एक बीच का रास्ता निकालते हुए शायद ये प्रयास किया जा रहा है कि जो पहली किस्त के रूप में किसानों को इतनी राशि दे दें जिससे उनका फिलहाल काम चल जाए और उसके बाद स्थिति देख के बाकी राशि दे दी जाए, ये एक संभावना हो सकती है। बिल्कुल, चंद्रशेखर जी से पूछ लेते। चंद्रशेखर जी, बात यही हुई थी, हालांकि कोरोना संकट पूरे देश में है, निश्चित रूप से उसके कारण आर्थिक, जैसा कि मनोज जी कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति पूरे चरमरा सी गई है, आगे सवाल है, लेकिन ये काम तो सरकार का है और किसान आपकी प्राथमिकता में है, आप किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। ऐसी स्थिति में जो बात ये उठ रही है कि अभी बरसात होने वाली है, धान माने बोनी का काम चालू हो जाएगा, खाद बीज की समस्या सामने आ जाएगी किसानों को, तो पहली किस्त कितने की देंगे? एक साथ देने की आपने बात कही थी, ठीक है, लेकिन पहली किस्त तो कम से कम 50% से ऊपर दें। देखिए आदरणीय त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहने के लायक भी नहीं है कि क्यों अंतर राशि कम ज्यादा दे रहे हैं या किस्तों में दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो एक गाइडलाइन बना दे कि 1800 से 15 ऊपर देंगे तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे, आपका धान चावल नहीं खरीदेंगे। ये तो हमारा साहस है जो हम किसान न्याय योजना के तहत इस पैसे को देने जा रहे हैं। जैसे कि मनोज जी ने बताया कि उस समय बजट में प्रावधान कर दिया गया था, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना
बजट की कमी, केंद्र सरकार का असहयोग, बहुत सारी परेशानियां ऐसी हैं जिनके चलते यह नियम लिया गया। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि किसान लगभग चार स्टेप में खेती करता है, पहले जुताई और बीज, दूसरी बार खाद, तीसरी बार रोपाई, चौथी बार निराई गुड़ाई, और एक स्टेप और होता है जो होता है धान का कटाई लुवाई जिसको बोलते हैं। तो आप निश्चित मानिए कि ये पूरा पैसा जब जब किसान को जरूरत मिलेगी उस योजना के तहत किसान तक पहुंच जाएगी, किसी को दुखी होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि की जो राशि है 2000, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बड़े उत्साही रहते हैं, उससे हर बार ज्यादा ही मिलेगा। प्रधानमंत्री सम्मान निधि आपको बता दूं 6000 रुपये मिलता है, 2000 करके साल में 3 बार। मैं आपको बता दूं ये पूरी राशि इस सीजन में जब धान बुआई होगी और जब कटेगी उसके पहले उनके खाते में आ जाएगी, उसके लिए आपको एक साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और जब भी राशि मिलेगी किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि से ज्यादा मिलेगी। देखिए जुताई आपने बिल्कुल कहा, जुताई होती फिर बुआई होती, लेकिन मुझे भी थोड़ा किसान है हमारे रमेश शर्मा जी, जुताई के साथ ही लगभग उसमें आप उसको अलग नहीं बांट सकते, जुताई के साथ बुआई हो जाती है, खाद जरूर थोड़ी देर दिन बाद डाली जाती है। तो ऐसी स्थिति में कम से कम क्या आप ये विश्वास दिलाते हैं कि 50% राशि एक साथ दे देंगे? त्रिपाठी साहब, मैंने कहा ना कि जुताई और बुआई की जो राशि है वो पहले मिल जाएगी और निश्चित तौर पर सम्मानजनक रहेगी और प्रधानमंत्री सम्मान निधि से अधिक रहेगी। चलिए बजाज साहब, अगर दे रहे हैं तो इसमें आपको सहयोग करना चाहिए विपक्ष को, विपक्ष जनता के लिए विपक्ष भी है, सरकार है तो विपक्ष भी है, इसमें फिर आपको लोगों को परेशानी क्यों इस बात को? और सब आप देख रहे हैं कोरोना संकट से पूरा देश जूझ रहा है, मोदी जी भी कह रहे हैं कोरोना संकट है आर्थिक व्यवस्था, सीतारमण जी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं कि हम यहाँ यहाँ पैकेज देंगे, ऐसी स्थिति में कम से कम छत्तीसगढ़ में तो एकता होनी चाहिए किसानों को लेकर। और ऐसे समय में केवल सरकार के ऊपर संकट है, केवल छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर आर्थिक संकट है, ऐसी बात नहीं। किसान कितने आर्थिक संकट से जूझ रहा है देखिए आप, आपके 90-95% किसान ऐसे हैं जो 10 एकड़ से कम जोतनदार किसान है, बहुत छोटे लघु एवं सीमांत किसान है, उन किसानों की हालत क्या होगी? और ये मामला भाजपा वर्सेस कांग्रेस नहीं है, ये मामला सरकार वर्सेस किसान है। आपने बोनस की बात नहीं कही थी, आपने कहा था 2500 रुपया हम मूल्य देंगे, प्रति क्विंटल धान का मूल्य 2500 रुपया होगा। तो मूल्य का मतलब यह है कि उसकी खरीदी जब हुई उस समय उसको देना था, आपने नहीं दिया। आज धान खरीदी करते हुए 7.5 महीने हो गए हैं, अक्टूबर में धान कटाई हुई है, नवम्बर में धान कटाई हुई है, 7 महीने हो गए, धान बेचने के बाद आज तक किसानों को पैसा नहीं मिला जी। आप थोड़ी आपकी उम्मीद जागी किसानों को कि अब बजट सत्र में आ गया है, हालांकि इनको पहले अनुपूरक बजट में लेने का था, नहीं लिए, मूल बजट में आया, मूल बजट में उन्होंने 51 करोड़ रुपये प्रावधान किया, अप्रैल मई में दे देना चाहिए इनको पैसा पूरा। लेकिन भूपेश जी को थोड़ी मालूम था कि कोरोना संकट आ जाएगा, वुहान में कुछ फूटने वाला है, भूपेश जी को थोड़ी मालूम था? किसी को मालूम नहीं है कोरोना संकट, लेकिन किसान जिसने धान बेच दिया है और उसको आप उम्मीद जगाई है, आपने उम्मीद जगाई है 2500 रुपया हम देंगे, अब दोस्त आप भाजपा को दे रहे हैं, दोस्त केंद्र को दे रहे हैं, दोस्त अन्य किसी को दे रहे हैं, इससे नहीं चलेगा काम। आपने धान खरीदने के लिए मूल्य निर्धारित किया था 2500 रुपया, उस मूल्य को आपको धान खरीदी समय देना चाहिए। किसान के साथ न्याय ये होता है, न्याय ये नहीं होता कि किस्तों के साथ दे, आप न्याय चाहते हैं तो मूल्य के साथ देते हैं, और आप 7 महीने बाद दे रहे हैं, इसका मतलब आप उसको ब्याज सहित दीजिए, क्योंकि धान का मूल्य है, कोई आप अतिरिक्त बोनस नहीं दे रहे हैं जिसके लिए आपको कुछ देना पड़े, जैसे सम्मान निधि को आपने जोड़ दिया, सम्मान निधि किसी वस्तु के एवज में सरकार नहीं दे रही, वो तो किसानों को एक प्रकार से राहत के लिए सम्मान के रूप में दे रही है। जब आपकी सरकार थी बिहार साहब, तो आप कितने में खरीदते थे, कितना डिफरेंस दे देते थे, कौन सा धान कितने में बेचते थे?
आप उस समय जब आपकी समर्थन मूल्य के अतिरिक्त कितना आप देते थे? धान का मूल्य हमने कभी किस्तों में नहीं दिया, एक मुश्त दिया, ऑनलाइन पेमेंट किया, उसी दिन पेमेंट किया। आज तो हालत ये है कि अभी करीब करीब 17-18 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी सरकार नहीं कर पाई है। आप देख लीजिए, धान खरीदी केंद्रों में जाकर देखिए, वहां के धान खरीदी केंद्र के अधिकारियों से पूछिए कितने किसान आज धान बेचने से वंचित है। टोकन ले लिए, धान की बिक्री नहीं हुई, जिनको टोकन लेने गए टोकन ही नहीं मिला। पंजीकृत किसानों के, सभी पंजीकृत किसानों के धान की खरीदी सरकार नहीं कर पाई। अगर ये सरकार अपनी वचनबद्धता के निभाती तो 1 करोड़ मेट्रिक टन धान की खरीदी इस छत्तीसगढ़ में हुई होती। इन्होंने 83 लाख मेट्रिक टन धान की मात्र की और रुला रुला कर खरीदा, तरसाव तरसा कर खरीदा, और ऐसे लोगों लाठी डंडा चलाए आदिवासी के किसानों पर। बजाज साहब, इन्होंने 83 लाख मेट्रिक टन खरीदा है, मान सकते हैं कि इस बार रकबा बढ़ गया है तो थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे जो ध्यान है आप लोगों ने कभी 83 लाख टन बीजेपी 15 साल में कभी नहीं खरीदी है। पंजीयन हुआ, किसानों ने पंजीयन कराया, आपने 2500 रुपए देने का वादा किया, तो कई दलहन तिलहन लेने वाले किसान भी धान के क्षेत्र में आ गए। रकबा बढ़ा, आपको ज्यादा खरीद रहा। आप बताइए ना, जिन किसानों का धान नहीं खरीदा गया उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या किसान टोकन लेकर आज नहीं घूम रहे? क्या सरकार जवाब दे? सरकार के नुमाइंदों को जवाब देना चाहिए। मैं सरकार से जवाब पूछ लेता हूं, लेकिन यहां मुद्दा अभी डिफरेंस राशि जो है, जो अंतर है वो देने की है। पर आप सवाल ये भी उठा रहे हैं कि आपने कई किसानों की धान खरीदी ही नहीं की है, ये हम चंद्रशेखर से पूछ लेते हैं। लेकिन रमेश जी, जैसा चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा आप किसान भी हैं, 4 किस्तों में उनको दी जाएगी, इस समय जुताई बुवाई खाद फिर उसकी गुड़ाई होती है फिर कटाई और फिर निराई जो भी है, तो इसमें सबसे ज्यादा पैसा कब लगता है? देखिए, सबसे ज्यादा पैसा तो मान करके चलिए कि वो जुताई में और बुआई के वक्त ही लग जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा खर्चा जो होता है वो बीज का खर्चा होता है और उसके बाद बुआई का खर्चा होता है। बाद में जो कीटनाशक का छिड़काव होता है या कटाई का खर्चा होता है वो बहुत नॉमिनल खर्चा होता है, तो मान करके चलिए कि 50% तो आरंभ में लग जाता है, इसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन तो मैंने सही उसे सवाल किया था कि आप 50% देंगे कि नहीं? हाँ, निश्चित रूप नहीं, आपने सही सवाल किया था 50% का। लेकिन अब छत्तीसगढ़ की ये स्थिति बिल्कुल विपरीत स्थिति है। मुझे आप ये बताइए कि अगर 2500 रुपए में अगर छत्तीसगढ़ सरकार खरीद रही थी तो केंद्र सरकार को यह आपत्ति लगाने की जरूरत नहीं थी कि अगर आप 2500 खरीदेंगे तो हम सेंट्रल पूल का नहीं खरीदेंगे। भाई, आपने जो समर्थन मूल्य निर्धारित किया था आप उसमें खरीदते रहते, घाटा मुनाफा राज्य सरकार को करने देते, अब आपने इतनी शक्ति लगा दी उसमें, तो कुल मिलाकर के ये इस बार की जो परिस्थिति, एक सबसे पहली बात तो यही इसमें गलती है। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी केंद्र सरकार को ये कहना था कोई अन्य राज्य भी तो और धान खरीद रहे हैं, वो और कितने में 2500 में खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे? तो कुल मिलाकर के अगर छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को कुछ विशेष लाभ दे रही है तो उसमें ये पैंच फंसाने की उनको जरूरत नहीं थी, ये उनको अपनी पार्टी पर दबाव बनाना था। उसके अलावा ये बात सही है कि पैसा इकट्ठा एकमुश्त किसान को मिलना चाहिए, एक मुश्त अगर नहीं दे रहे हैं तो 50% ये बोनस की राशि है जिसको आप सम्मान निधि कह रहे हैं वो मिलना ही चाहिए। लेकिन त्रिपाठी जी, इस साल की परिस्थिति थोड़ी सी भिन्न हो गई है, कोरोना ने सबका बजट फेल कर दिया, कोई सरकार इस परिस्थिति में नहीं है कि वो कुछ कर सके, घरों की स्थिति बहुत खराब है, लोगों की खाने की स्थिति में बहुत संकट में आ रहा है। ऐसी स्थिति में लेकिन एक बड़ी मजेदार, एक आश्चर्यजनक और एक गर्व की बात भी इसमें ये भी है कि पूरे देश को, इकोनॉमी को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है भारत की तो वो केवल किसान कर सकता है, चाहे वो धान का किसान हो, चाहे वो गेहूं का किसान हो, या वो सरसों का किसान हो, किसान ही इस बार की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। ऐसी स्थिति में सब लोगों को किसान के साथ खड़ा रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि वो इस मुद्दे पर कम से कम सरकार को सहयोग करे, और कितने सरकार को भी चाहिए
कि पहली किस्त के रूप में वो जितना ज्यादा दे सकते हैं वो दे दें, क्योंकि ये विशेष परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति में अगर वो 3 किस्त 4 किस्त कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ हमको सबको इसमें सहयोग करना ही चाहिए। चंद्रशेखर जी, आप कहें तो रमेश जी ने जो एक सवाल उठाया, हालांकि हम उठाते हैं तो बजाज साहब कहते हैं कि आप ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार ने अड़ंगा आखिर क्यों डाला, समर्थन मूल्य में अगर जितना वो खरीदना चाह रहे हैं आप उतना ही पैसा देते, उनको खरीदने देते। आप कहें तो पहले उनसे सवाल ले लूं या आप जो बजाज साहब ने उठाया उसका उत्तर देना चाहेंगे? आप जैसा आप पूछे बजाज साहब से पूछ लीजिए। चलिए बजाज साहब, रमेश जी ने आखिर केंद्र सरकार ने ये बीच में रमेश जी की भाषा में पेच क्यों फंसाया आपने? देखिए, केंद्र सरकार की एक अपनी पॉलिसी है जो पूरे देश के लिए है, सभी राज्यों के लिए। छत्तीसगढ़ के लिए अलग पॉलिसी बनेगी, उड़ीसा के लिए अलग बनेगी, महाराष्ट्र के लिए अलग पॉलिसी बनेगी, ऐसी बात नहीं है। केंद्र की अपनी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने सेंट्रल पूल में जो लेना था वो लिया है। आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के अनाज को आप बाहर भेजने के लिए क्यों एक बेटा है? आज जब मानसून पर अनिश्चितता बनी हुई है, यह अन्य संकट आ सकता है। आप पॉलिसी के तहत ही पैसा देते ना, वो तो डिफेंस वो तो दे रहे थे, राज्य सरकार दे रही थी, आपने मना ही कर दिया कि हम खरीदेंगे ही नहीं धान। नहीं नहीं, ऐसा कोई मना नहीं है। कहा बताइए, केंद्र सरकार तो एमएसपी में खरीदी कर ही रही है, करवा रही, राज्य सरकार एजेंसी है, राज्य सरकार एजेंसी है, या तो एजेंसी बनने से बोला कर राज्य सरकार, एफसीआई खुद कर देगी। जी चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी त्रिपाठी जी, एक नहीं दो नहीं अनेक ऐसे पत्र केंद्र सरकार से आए जिसमें स्पष्ट कहा गया कि यदि आपने एमएसपी से अधिक दर दिया तो हम आपकी धान नहीं खरीदेंगे, मजबूरन हमें दिल्ली में जाके ट्रेन में 225,000 लोग जाके ट्रेन में गए थे छत्तीसगढ़ कांग्रेस की, और जाके हमने दिल्ली में घेराव किया था संसद भवन का। सर बजाज जी को याद नहीं होगा, उस समय यदि बजाज जी कहे होते कि केंद्र सरकार इनका धान खरीदे भरपूर मूल्य में, क्योंकि डिफरेंस रानी तो हमने पहला कहा था कि डिफरेंस रानी हम ही देंगे और हम किसी से मांगेंगे नहीं, हमको हमें 2500 में खरीदने दे। गत वर्ष जब पॉलिसी बनी थी तो खरीदने दे, इस साल जब हमने किसानों के खाते में पैसा डालने की कोशिश की तो हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को असर लगा, जैसे उनका धराता खिसक गया है और वो पूरी तरह से अड़ंगा लगाई। अभी भी जब न्याय योजना के तहत पैसा डाल रहे थे तो फिर पुनः उस पर अड़ंगा लगाया गया, इसलिए उसमें हमें दलहन को, तिलहन को, गन्ना को, ज्वार को सबको जोड़ना पड़ा। मैं आपको फिर बता दूं कि अभी भी अड़ंगे लगाए गए हैं, ऐसे नहीं कि अभी अड़ंगे नहीं लगाए गए। भारतीय जनता पार्टियों को किसानों से नफरत है, वो अमीरों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, उद्योगपतियों की पार्टी है, और उनको तकलीफ होती है जब किसानों के पास पैसा पहुंचता है। अगर 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 ऐसा होता चंद्रशेखर जी, अगर ऐसा होता तो लगातार 15 साल तक रमन सिंह नहीं जीतते, अगर किसानों के बिना नहीं जीत सकते, ये बात तो तय है, ये आप भी मानते होंगे। देखिए जी जी त्रिपाठी जी, हर बार भरम आया, कभी बोनस की बात देखिए भरम आया, कभी 2100 समर्थन मूल्य देखी बात भरम आया, हर बार नए नए तरीके से झांसा दिया। किसान बेचारे सीधे होते हैं, वो बेचारे इनकी जाल में फंसे गए, लेकिन बार बार कोई जाल में नहीं फंसता है। इन्होंने तो पूछा ना, 2 बार 3 बार क्यों पैसा दिया, 2-2 साल बाद बोनस बांटा और बोनस तिहार मनाया है। बजाज जी बैठे, बजाज जी को पता है, हमने तो पहली बार सुना था बोनस तिहार, ये कैसा टाइप का तिहार होता है जी। तो इस टाइप की बात है, बजाज जी की याददाश्त पता नहीं कैसे इतनी जल्दी विलुप्त हो गई, सारी बातें ही बजाज जी से हम उत्तर ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बोलने के लिए हकदार भी नहीं है, बिल्कुल हक नहीं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ भी बोलने की हकदार नहीं है, उनका नैतिक फर्ज नहीं बनता, वो सिर्फ किसान से माफी मांगना चाहिए उनको, किसान के अलावा और कोई विषय में माफी की कोई विषय नहीं। लोकतंत्र में विपक्ष सवाल उठाएगा ये उनका अधिकार है चंद्रशेखर जी, लेकिन दो सवाल है। एक, रमेश जी ने आपको बकायदे परिभाषित कर दिया कि पैसा कब कब लगेगा, तो क्या 50% पहली किस्त आप देंगे? मैंने खुद भी कहा 50% की पहली किस्त आप देंगे। दूसरा, बजाज साहब ने सवाल ये उठाया है कि बहुत सारे किसानों की धान की खरीदी ही नहीं हुई है। चंद्रशेखर जी, हाँ जी, देखिए त्रिपाठी जी, मैंने पहले भी कहा कि हमारी पहली राशि किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि से अधिक होगी, मैंने स्पष्ट कहा, मैं खुद कहा कि पहली बार जो जरूरत पड़ती है जुताई में और बीज खरीदने में, तो हमारी जो राशि होगी प्रधानमंत्री सम्मान निधि से तो अधिक ही होगी, उससे कम कतई नहीं होगी। दूसरी बात,
जितना समय भारतीय जनता पार्टी ने धान खरीदने के लिए पिछले 15 साल में दिया किसी भी एक साल में, उससे ज्यादा समय इस वर्ष भूपेश बघेल जी की सरकार ने दिया, बल्कि ज्यादा नहीं 10 दिवस अधिक दिए हैं। बाद में भी 5 दिन धान खरीदी की, और ये समस्या सिर्फ बॉर्डर क्षेत्र में है, बॉर्डर जो राज्यों की सीमा में लगी, और मेरा सीधा आरोप है कि यह दुष्प्रचार के उद्देश्य अन्य राज्यों से लाके बेच के सरकार को बदनाम करने की साजिश है। चलिए बजाज साहब बोल रहे हैं, हर वर्ष की तुलना में इस बार हमने ज्यादा परसेंट 15% ज्यादा धान खरीदा है। जी बजाज साहब क्या कहेंगे, वो बोल रहे हैं कि किसान सम्मान जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है उससे ज्यादा वो पैसा देंगे, एक दूसरा आपने जितने खरीदी कभी खरीदी की उससे ज्यादा ही की। नहीं नहीं, इससे ज्यादा हमने खरीदा है, सम्मान निधि और अंतर की राशि को आप जोड़िए ना जी, वो अलग चीज है, अलग चीज है। सरकार ने अभी नाबार्ड के माध्यम से जो 25 लाख करोड़ रुपए की घोषणा, यह भी प्रोत्साहन राशि है, ₹300 करोड़ नाबार्ड छत्तीसगढ़ को दे रही है, और वो किसानों के लिए दे रही है ताकि किसान खरीफ की तैयारी कर सके, उनको पैसे की लिए कहीं तकलीफ ना हो, इसलिए सरकार केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया गया है। आप बता रहे भाजपा को, ये लोग किसान विरोधी बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं समझ नहीं आता। कांग्रेस ने इतने वर्षों तक राज किया, 16% ब्याज देती थी, 0% ब्याज पर किसानों को अल्पकालीन ऋण देने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो डॉक्टर रमन सिंह की निर्मला सीतारामन ने 0% ब्याज को भी माफ कर दिया, अब किसानों को ब्याज नहीं लगेगा। सीतारामन जी ने कहा कि अब किसानों को ब्याज ही 0% भी देते और ब्याज भी नहीं बोलते, वो 0% को भी माफ कर दिया। वाह रे निराला खेल आप लोगों का, 0% को भी आप लोगों ने माफ कर दिया। सीतारामन जी ने कहा कि किसानों को ब्याज को माफ कर दिया गया, अद्भुत है आप लोगों का, अद्भुत है आप लोगों का, नहीं कर पाए जी। लेकिन बजाज साहब को कैसे माफ कर सकते हैं, लोगों को कृषि कर दिया और लोगों को, चलिए मुद्दा अलग आ रहा है, ब्याज का मुद्दा नहीं है यहाँ तो धान। सर सर मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, 0% को भी कैसे माफ कर सकता है, किसान विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, किसान विरोधी कैसे हो गई। हाँ किसानों को माफ करके बताएं, 0% को माफ करके बता दें आप, अब भैया सिर्फ 0% को माफ कर बता दें आप, ये बता दे किसानों को बर्बाद करने के अलावा मानूंगा आपकी बात को, 0% को माफ करके बता दें। चलिए कम से कम जो मानूंगा 0% माफ करके बता दें, उस मुद्दे पे अटकने की जरूरत नहीं है, 0% हो सकता है। बजाज साहब बोल रहे हैं मूलधन भी नहीं देना है आपको, खैर वो मुद्दा अलग है। बजाज साहब जो रमेश जी ने बात उठाई, बजाज साहब रमेश जी ने बात भी उठाई कि इस समय अगर 1918 के दौर में ये महामारी आई थी, 1920 तक चली थी, इसके पहले ये महामारी 100 साल में आई है, इस समय राजनीति, इस समय किसानों को अधिक से अधिक राहत, केंद्र सरकार कई पॉलिसी उसने डिलीट कर दी है, कई पॉलिसी को उसने लिबरल बना दिया है, इसको भी बना देते खरीदी करते। और एक बात आप कहें बजाज साहब, बजाज साहब रमेश जी एक बात जोड़ रहे हैं जी, रमेश जी नहीं, बजाज साहब से मैं ये आग्रह भी करना चाह रहा हूँ कि इस बीच में प्रधानमंत्री जी ने और केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने बहुत सारी राहतों की घोषणा की है, किसान को जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 2006 से पड़ी हुई है जिसमें समर्थन मूल्य वृद्धि की बात है। अब रबी की अगर फसल की पूरी हो गई है तो खरीफ में जैसे मक्के की है, सोयाबीन की है, तो अगर आप ये सब पूरी दुनिया जानती है कि इस समय का समर्थन मूल्य चाहे वो धान का हो या गेहूं का हो किसान की लागत से भी कम पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में अगर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो जाए, गेहूं का समर्थन कम से कम 3000 हो जाए, समर्थन मूल्य 3000 हो जाए, उस अनुपात में सारे हो, इसमें क्या दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से प्रार्थना काय नहीं करती है। उत्तर ले लेते हैं जी बजाज साहब, देखिए केंद्र सरकार के पास जो संसाधन है सारा गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए उन्हें नहीं है, इतना 25 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज आया है वो अधिकांश उसका ग्रामीण स्तर में जा रहा है, कुटीर उद्योग खुलेंगे, पुराने उद्योग जो हमारे मर गए थे
खत्म हो गए थे, वहां पर लोगों के रोजगार का अवसर मिलेगा। पलायन तो एक साफ है इस देश के लिए, हमारे ग्रामीण बजाज साहब समय समाप्त हो रहा है, मुझे जो कुछ ध्यान है रमेश जी भी इसका समर्थन करेंगे कि जब तक स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई थी उस दौरान आप लोग विपक्ष में थे और आप मांग करते रहे यूपीए सरकार से कि स्वामीनाथन कमेटी लागू की जाए। रमेश जी मैं सही हूँ? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। लेकिन आप ये देखिए कि आज केंद्र सरकार हो चुका है इतनी संवेदनशीलता के साथ ग्रामीण क्षेत्र के लिए सिलेंडर देने के लिए, उनके सड़क के लिए, मनरेगा में छत्तीसगढ़ में जो भी है लोग रोजगार देने की बात करें, वो पूरा पैसा केंद्र सरकार ने मनरेगा के अंदर दिया है। इन्होंने कुछ नहीं किया है, केवल स्वामीनाथन की रिपोर्ट के बारे में जो बात आप कह रहे हैं इसके बारे में हम ध्यान आकर्षित करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज राजनीति करने का समय बिल्कुल नहीं है। आज हम एक दूसरे के खिलाफ दोषारोपण करेंगे, फिर राजनीति क्यों कर रहे हैं मिलजुल कर, फिर राजनीति क्यों कर रहे हैं? हमें कैसे निपटना है ये देखना है, और हमको ये देखना है कि आप जितना ज्यादा राज्य सरकार और केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्र के गरीब से गरीब लोगों को कितनी ज्यादा राहत दे सकती है, कितनी सुविधा। हमारा बजाज साहब समाप्त हो रहा है, निश्चित तौर पे अपेक्षा हमको यही है कि इस दौरान, इस संकट के दौर में 100 साल बाद एक बार फिर महामारी आई है, इसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं होगी। रमेश जी ने कहा है कि अगर इसको आर्थिक जो संकट आएगा उसको अगर उबार सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अन्नदाता उबार सकता है। ऐसे में कम से कम अन्नदाता को लेकर के राजनीति तो हो, यह हम अपेक्षा करते हैं। मनोज जी निश्चित आप नजर रखिएगा, मुद्दा बहुत बड़ा है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम फिर से एक बार इसमें मिलेंगे और एक बात करेंगे, बहस करेंगे। चंद्रशेखर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अशोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मनोज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोरोना संकट है, इसलिए भूपेश सरकार न्याय योजना के जरिए किसानों को किस्तों में धान खरीदी के अंतर की राशि देगी। लेकिन दूसरी ओर राज्य सरकार का आरबीआई की रिपोर्ट के आधार पर यह कहना कि उसकी आर्थिक स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है, तो फिर ऐसे में किसानों को एक साथ पूरा पैसा देने में दिक्कत कहां है? क्योंकि अब किस्तों में पैसा देने की बात सामने आ रही है, तो ऐसे में विपक्ष का विरोध करना स्वाभाविक है। हालांकि बीजेपी को अभी ये भी समझना होगा कि कोरोना से छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश का हाल बेहाल है, और ऐसे में अगर किसानों को अंतर की राशि का किस्तों में भी पैसा मिल रहा है तो वो अन्नदाताओं को कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर सरकार किस्तों में किसानों को पैसा दे रही है तो उसे ये स्पष्ट करना चाहिए कि पूरी राशि कितनी किस्तों में मिलेगी, नहीं तो फिर अन्नदाता आधार में ही रहेगा। खैर छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां 24 सीटों पर